सबसे बड़ी खबर और अपडेट ये कि असद को दफनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आतिक अहमद के 5 बच्चों में से असद तीसरा बेटा था और उस तीसरे बेटे की तस्वीर जब उमेश पाल शूटआउट केस में फायरिंग करते हुए आती है तो उसके बाद इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उसका नाम हमदर्दी का है, कोई था पहचान और कौन कौन नजदीकी जो रिलेटिव उनकी हम लोग कोई नजगिरी नहीं। एनकाउंटर गलत हुआ इस पर आप इसके लिए नहीं बता सकते, इसके लिए हम नहीं बोल सकते। नजदीकी लोगों के नाम बता दीजिए कौन कौन सदस्य शामिल हुए, परिवार के सदस्य बताइए कौन कौन। उसका फुफा है और नाना है, बस फुफा और नाना शामिल हुए। आखिरी मिट्टी किसने की अभी इसके लिए कोई नहीं बता सकता ना। आखिरी आप तो थे अंदर, आखिरी नहीं आखिरी नहीं, सब लगातार देते हैं ना इसी में दोनों नाना और फुफा शामिल सब शामिल हाँ सब देते हैं साथ में देते हैं। नाना और तो दरअसल वहां पर जो रिश्तेदार है वो वहां पर पहुंचे, उनका ये कह रहे उनसे बातचीत दरअसल मीडिया करने की कोशिश कर रहा था ये पता लगाने के प्रयास कि वहां पर दरअसल कौन कौन लोग जो है वो अंदर मौजूद है। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए, विनोद क्या दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया जो है वो दफनाने की पूरी हो चुकी है और जो लोग इसमें शामिल हुए थे वो भी एक एक करके अब बाहर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिरी फातिया जो है जो जनाजे पढ़ी जाती है वो पढ़ी गई है और उसके बाद से जो लोग यहाँ पे पहुँचे थे जनाजे में शामिल होने के लिए वो भी अब वापस एक एक कर लौट रहे हैं। हालाँकि इस दौरान कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है, सभी लोग ये मना कर रहे हैं कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जो लोग जो इसमें शामिल होने के लिए आए थे वो इस पूरे मामले पर कोई बयान देने से मना कर रहे हैं। दो चीजें बड़ी खास है कि रिलेटिव जो क्लोज रिलेशन में थे जो डेड बॉडी लेकर आए थे वही लोग शामिल थे। हालांकि कुछ लोग जब अंदर से बाहर निकले तो उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन जो कैमरे की नजर से हमने यहाँ पे देखा था और जो लोग यहाँ से गए थे इसी रास्ते से अंदर शामिल होने के लिए जिनका बकायदा यहाँ पे नाम और नंबर नोट हुआ वो संख्या 25 से 30 थी, और लेकिन जो अंदर लोग थे वो क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पे शामिल थे। कुछ देर पहले तक लोग यहाँ निकल रहे थे, बस आखिरी फातिया जो है वो पढ़ा जा रहा है और जैसे ही फातिया खत्म होगा बाकी जो लोग अंदर बचे हुए वो भी बाहर निकल आएंगे। तो जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, जो कब्रिस्तान में दफन करने की प्रक्रिया थी वो पूरी यहाँ पे कर ली गई है और अब कुछ ही देर में जो अंदर रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव्स है वो भी बाहर निकलेंगे। बताया जा रहा है कि उनकी एक बहन जो थी वो इसमें जरूर शामिल हुई थी, बुरके में वो बहन वहाँ पे आई थी, 5-4 महिलाएं एक साथ आई थी, उसमें उनकी एक बहन भी थी जो बाकायदा अंदर गई थी शामिल होने के लिए और वो अब कुछ ही देर में बाहर निकलेगी। जो लोग बाहर निकलेंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार लोग मना कर रहे हैं, वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, सबको मना किया गया कि वो मीडिया से कोई बात कोई नहीं करेगा। अब जो फैमिली के मेंबर्स हैं जो आखिरी फातिये पे शामिल थे आखिरी फातिये में वो वापस आ रहे हैं। तो अब जो है आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे आप लोगों के मट्टी देना था, मट्टी देकर कितने लोग थे बाबू, कितने लोग वहाँ पे थे अब हमको नहीं पता, घर के लोग कौन कौन थे, घर को नहीं पता। तो ये जो लोग हैं वहाँ पे निकल रहे हैं वो कह रहे हैं मिट्टी देने गए थे, मिट्टी देकर वापस आ गए हैं, कोई इससे ज्यादा बात करने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं है। अभी टाइम लगेगा प्रक्रिया में, अभी फूल की चादर मंगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि फूल की जो चादर है वो चढ़ाई जाएगी, उसके लिए अंदर से एक शख्स जो है आया हुआ है वो इसको लेकर जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वक्त और 4 से 5 मिनट का वक्त जो है वो अभी और लग सकता है। आखिरी जो जो प्रक्रिया होती है वो फूल की चादर उस कब्र पे बिछाने की होती है तो वही लेकर जाई जा रही है, उसके बाद से ये प्रक्रिया खत्म होगी। तो इसमें थोड़ा सा वक्त अभी भी लगने की आतिक अहमद की 5 संतानों में से तीसरा असद था। पिता चाचा दोनों भाई पहले ही आतिक के गुनाहों के दलदल में उतर चुके थे, असद का डायरेक्टली अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हालांकि कई सारी खबरें उसके कुछ कारस्तानियां स्कूल के समय से जरूर मशहूर थी, 12वीं तक की पढ़ाई करता है, पासपोर्ट इसका कैंसिल हो जाता है, ये बाहर जाना चाहता था। लेकिन असल मोड़ आता है उमेश पाल शूटआउट केस, और उमेश पाल शूटआउट केस में जो पूछताछ हुई थी उसमें आतिक कहता है कि सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होना था लेकिन आखिरी समय पर असद ने आपा खो दिया, और जो गनर उमेश पाल के शूटआउट सुरक्षा में तैनात था वो जब अंदर गली में जाने लगा तब असद ने फायर ओपन कर दिया था, और उसी के बाद से ये जो तस्वीर सामने आती है उसके बाद से लगातार यूपीएससीएफ की टीम तलाश रही थी, 48 दिनों की लुका छिपी और उसके बाद असद का एनकाउंटर। यहाँ नहीं, पूरा मुफ्ती से यहाँ पर आने का मतलब समझ में नहीं आया। हम यहाँ जो है एक बार जिसे बिरादरी आपके मट्टी कहीं हो
तो हम हर जगह मट्टी में हम पहुंचते हैं, ये बात। अच्छा, किसी की भी मट्टी होती है तब आप जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं अतीक अहमद का खास कोई नाता पुराना रहा हो, चूंकि पूरा मुफ्ती से कनेक्शन रहा है उसका? नहीं, कोई हमारा नहीं। अच्छा, तो कैसे जानकारी मिलेगी असद का सब यहाँ पे दफनाया जाएगा? हम यहाँ यही थे, कहा थे हमारे घर वाली खत्म हो गए। हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं, कई रिश्तेदार जो हैं करीबी वो वहां पर पहुंचे हैं, नाना मामा फूफा वहां पर मौजूद हैं, वो लोग जो वहां से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आखिरी प्रक्रिया जो है बस उस तक पहुंच चुके हैं, फूलों की चादर वहां पर मंगाई जा रही थी। असद जो उमेश पाल हत्याकांड में यहां पर शामिल था, उसको उसका एनकाउंटर यहां पर गुलाम के साथ, शूटर गुलाम के साथ कर दिया गया था। और हमारे साथ विनोद और साथ ही साथ में मनीष लगातार जुड़े हुए हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विनोद, हम तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं जो लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बात पूरी तरह से क्या स्पष्ट नहीं हो पाई है कि पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है वहां? देखिए बिल्कुल, जो फातिया पढ़ा जाना था वो फातिया पढ़ा जा चुका है। अब फूलों की चादर जो है वो कब्र पर डाली जाती है, जब उसके बाद वही परिवार के जो क्लोज लोग होते हैं वही आखिरी में निकलते हैं उस कब्र के पास से, तो वो मंगाया गया है फूलों की चादर, कुछ ही देर में वो चादर पहुँचेगी, उसके बाद उसे उस कब्र पर डाला जाएगा, उसके बाद से जो परिवार के कुछ क्लोज जो हैं वो निकलेंगे। जो खबर है उसके मुताबिक